ठीक है, हाँ भाई देखो, अब देखो क्या आएगा इसका आंसर। सी ही है आंसर, मतलब जहां पर हिंदुओं को जलाया जाता है शमशान, उसको बोला जाता है चर्च, यानी जिनको सिमेट्री, और टेंपल, ठीक है समझ में आई बात, सेमिटोरियम बोलते हैं इसको। देखो अमेरिकन इंग्लिश में ना आर को बोला नहीं जाता है, और लास्ट में आई एन जी नहीं बोला जाता है। आपने अगर मैकडोनल्ड के एड देखी हो, आई एम लविंग इट होता है वो, लविंग इट, वो वर्ड तो आई एम लविंग इट है, बट वो लास्ट में जी नहीं बोलते, वो आई एम लविंग इट बोलते हैं, है ना। अब आर नहीं बोलते। एक शब्द आपने सुना होगा आर यू देयर, वो होता है आर यू देयर, वो आर नहीं बोलते बीच में। तो ए आर ई में से आर हटा दिया, आई यू देयर, और देयर में से आर गायब कर दिया, तो वो ऐसे बोलते हैं आर यू देयर। हम लोग ब्रिटिश एक्सेंट थोड़ा ज़्यादा बोलते हैं, तो हम तो आर यू देयर ही बोलते हैं। अमेरिकन जो बोलते हैं लास्ट में जी नहीं बोलते, बीच में से आर हटा देते हैं, मदर बोलते हैं, फादर बोलते हैं, इस तरह से बोलते हैं, वो आर का साउंड नहीं लाते इस तरह से, जैसे ये है। तो यहाँ पर भी आर का साउंड नहीं आएगा, सेमेटोरियम बोला जाता है। बट हम लोगों की हैबिट वैसी है कि हमारे लास्ट में फिर भी आर का साउंड आना पड़ रहा है, बट वो लोग ऐसे बोलते हैं कि आर का साउंड बिल्कुल नहीं देते, ठीक है। अलबस दोनों दोनों के एक्सेंट बिल्कुल अलग अलग होते हैं, बहुत फ़र्क पड़ जाता है। ये क्वेश्चन डायरेक्शन डिस्टेंस का है, डेटा सफिशेंसी का क्वेश्चन है ना। तो आपको बताना है दोनों से आंसर आ सकता है। उसने पूछा ए और डी की बीच की दूरी क्या है। अब आप ये देखो ए और डी की बीच की दूरी, बताओ आंसर। ओनली टू, फर्स्ट से नहीं आ सकता, सिर्फ टू से आएगा, या दोनों से मिला के आ रहा है, सिर्फ बी से आ रहा है। तो यानी आप कह रहे हो कथन दो में दिए गए तथ्य जवाब देने के लिए काफ़ी हैं, कि सिर्फ दो से आंसर आ सकता है। अगर इसको देखें, हम फर्स्ट वाले को छोड़ देते हैं, अगर आप लोग जो कह रहे हो कि बिंदु ए डी के 5 किलोमीटर पूर्व में है, यानी ये हो गया ए और ये हो गया डी और ये हो गया 5 किलोमीटर, ए पूर्व में डी के, ठीक है। फिर उसने बोला सी जो है वो बी के दक्षिण में 7 किलोमीटर है, अब बी तो आया ही नहीं, तो सिर्फ दो से कैसे आ सकता है। अच्छा ए और डी का पूछा, अरे ये तो फिर लिखा ही है यहाँ पे, ए और डी के बीच में 5 है, फिर तो ये लिखा ही है ए बी और सी, तो फिर तो सिंपल था, इसमें कुछ देखना ही नहीं था, ये तो इसने साफ साफ कह दिया, तो क्वेश्चन ही बिना वजह पूछ लिया। अब ये पेपर में ऐसे ही आया हुआ है, कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन, बायोडीजल आएगा, बायोडीजल, जेट्रोफा प्लांट होता है, प्लांट जैसे गन्ना होता है ना, शुगर केन से एथेनॉल बनता है, शुगर केन से एथेनॉल बनता है गन्ने से, इसी प्रकार से जेफ्रोटा होता है, जेफ्रोटा बोलते हैं इसको हिंदी में, जेफ्रोटा, इससे बनता है बायोडीजल, जैसे गन्ने से एथेनॉल बन जाता है, इस जेफ्रोटा से बायोडीजल बन जाता है। एक आज जीएस बेस्ड क्वेश्चन जरूर आएगा, जैसे कल वो नम्रता गोदावरी और वो वाला था कि बाकी 3 गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में, एक गिरता है अरब सागर में, नदियाँ, तो जेफ्रोटा से बनता है बायोडीजल, ये का जीएस बेस जरूर आती है। सिंपल क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन जबानी हो जाएगा पढ़ लोगे तो, ये बहुत आसान है। डी, चलो कर लो कर लो कर लो, दामाद है। पी के की सास है और पी की शादी एस से हुई है, पी की शादी, पी सास है यानी लड़की है, और पी की शादी हुई है एस से, एस हो गया लड़का। अब पी की सास के है, तो के कौन हो गई, एस की माँ हो गई, यहाँ पर के है ना,
पी की, अरे रुको 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 रुको, जगह सी मेरे को बना लूं। पी की सास कौन है? के, यानी के का कोई बेटा होगा। और पी, यहां पर आएंगे दो लोग ऐसे, आपको पी नहीं पता अभी लड़का है या लड़की है, तो आप यहां पर भी नहीं रख सकते, बस इतना पता है पी की सास के है अगर इस लाइन से देखूं तो। ठीक है, पी की शादी एस से हुई है, एस यहां पर, के की एक एक ही बेटी है, के की एक ही बेटी है, यानी एस बेटी हो गई, पी हो गया लड़का, पी की बेटी एल है, तो एल की तो हमें जरूरत भी नहीं है क्योंकि कुछ पूछा ही नहीं। एस के से कैसे संबंधित है? तो एस के से कैसे संबंधित है? बेटी है। ठीक है, दामाद नहीं है। क्लियर हो गई बात? चलूं आगे। पूर्वानुमान अजम्पशन, पहले पहला बताओ कि सही है कि गलत है। पहला गलत है, बताओ भाई क्या कह रहे हैं बाकी लोग। पहला, उसने कहा कि आजकल महिलाओं का उत्पीड़न सार्वजनिक रूप से दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है ना। अब पहला कह रहा है कि मीडिया इंटरनेट आज तक लोगों के पास बहुत आसानी से पहुंच रहा है, तो क्या इस वजह से ये हो रहा है? ये तो बात ही नहीं होती, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा कह रहा है स्कूल और कॉलेज स्तर पर नैतिक शिक्षा ठीक से प्रदान नहीं की जा रही है, ये बताओ। हाँ गलत है, क्यों गलत है ये भी बताओ। हाँ देखो, सिर्फ स्कूल और कॉलेज ही रीजन नहीं होते, आपके घर का एनवायरनमेंट कैसा है वो भी एक कारण होता है ना। आप कैसी संगत में रह रहे हो, आपका घर का एनवायरनमेंट कैसा है, वहां सिखाया जा रहा है, तो स्कूल कॉलेज से इतना फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? बी ऑप्शन। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई की डिफरेंस, क्योंकि 6 के बाद 7, 20, 34 और फिर 19 रह गया, घट गया, तो क्या आएगा पैटर्न बताओ। पैटर्न पैटर्न बताओ बताओ बताओ। चलो चलो क्वेश्चन करो, फिलहाल क्वेश्चन करो। 6, 7, 20, 34 और 19 बताओ क्या लगाया। देखो गुणा नहीं हो रही और डिफरेंस सीधा सीधा नहीं हो रहा। हाँ बिल्कुल 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 यही है। देखो इसमें सीधा सीधा डिफरेंस क्यों नहीं कर सकते, वो तब होता है एक बार बढ़ रहा है तो फिर घट रहा होता, फिर बढ़ रहा फिर घट रहा फिर बढ़ रहा होता, तो ऐसे चलती कहानी। बट यहाँ क्या हो रहा है, ये यहाँ से गया यहाँ पर, यहाँ से गया यहाँ पर, कितना डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में 14। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा 14 का डिफरेंस रखोगे तो कितना आएगा, 14 का तो रख ही नहीं सकते, 21 आएगा और फिर डिफरेंस नहीं बनना, तो ऑप्शन देखने पड़ेंगे। अगर हम 13 रखते हैं तो 6 और 7 13 और 13 और 6 19, तो यही बात हो गई, यानी यहाँ पर भी डिफरेंस 6 का हो जाएगा और यहाँ पर भी डिफरेंस 6 का हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 13। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन पुट करने पड़ेंगे क्या रखें, क्योंकि अगर 14 14 यहाँ चल रहा है तो ज़रूरी नहीं 14 और 14 यहाँ पर चले, क्योंकि 14 का डिफरेंस रखोगे तो 21 हो जाएगा, यहाँ कम रह जाएगा, या 17 रखोगे तो भी गड़बड़ हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा 13 ऑप्शन यूज़ करने पड़ेंगे। ठीक है, अलग जो है तो बहुत आसान है, अलग हिरन है यार, कोयल हंस बत्तख हिरन ही तो अलग होगा, इसमें तो कुछ था ही नहीं, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं था। ये क्वेश्चन सही है, ये क्वेश्चन बढ़िया है, ये करो, डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है ये, एक अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा जिसमें दिमाग लगाना पड़ेगा। एक बंदा वसूली करने के निकला, 5 जगहों से उसे पैसे लेने थे, ए बी सी डी ई से, तो उसने पहले ए से पैसे लिए, फिर बी पे पहुंचा, फिर सी पे पहुंचा, फिर डी पे, फिर ई पे, करो वही होगी।
क्या? हाँ करो भाई करो, ये एक क्वेश्चन है जो अच्छा है। कितना? 10। बाकी बताओ भाई सब लोग। कितना आया? कर रहे हो? इसको छोटा कर दूं मैं, थोड़ा सा जगह बन जाएगी। दिख तो रही है सबको। 10 आएगा। देखो, एक व्यक्ति है, वो विभिन्न दुकानों से उसने पैसे इकट्ठे करने हैं अपने। वो घर से निकला, सबसे पहले दुकान ए से पैसे इकट्ठे करने के बाद वो बी पर पहुंचता है, जो ए से 12 मीटर पश्चिम में है। यानी बी जो है वो पश्चिम में हो गई। तो भाई मैं बी को यहाँ कह देता हूँ और ये कह देता हूँ मैं ए। ये हो गई ए और ये हो गई बी, और ये दूरी कितनी हो गई? 12। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद उसने आगे क्या करा? फिर दुकान सी पर पहुंचा, जो दुकान बी से 5 मीटर दूर है। अब किधर की तरफ है अभी तक तो पता है नहीं। वह बाईं ओर मुड़ा, तो भाई वो ए से बी पे आया था, तो यहाँ से बाईं ओर मुड़ेगा तो नीचे जाएगा, और नीचे जाएगा तो 5 मीटर। मान लो वो यहाँ आ गया और ये बिंदु सी पे आ गया, ये 5 मीटर हो गई। अब ये लाइन है जो अच्छी है। फिर हाँ, फिर उसने लगातार 2 बाईं ओर मुड़ेगा, यानी अब इधर जा रहा है तो अब की बार इधर की तरफ ही मुड़ेगा, बाईं ओर उसने मुड़ना है। ए और बी दुकान के मध्य से गुजरा। देखो, बाईं ओर मुड़ा और ए और बी दुकान के मध्य से गुजरा। दुकान के मध्य से यानी बिल्कुल 6 से गुजरेगा, 6 इधर रह जाएगी और 6 इधर रह जाएगी। समझ गए ये वाली बात? इसके मध्य से गुजरा, ये पूरी 12 है, तो इसके मध्य से गुजरा यानी बिल्कुल बीच में से गुजरेगा। और कितना चला भाई? 3 मीटर चला। और दुकान बी से, एक मिनट, मध्य से गुजरा, एक बाई ओर मुड़ा, वह दुकान ए बी के मध्य से गुजरा, अंत में वह दुकान ई पर पहुंचता है, जो दुकान बी और ए के मध्य से 3 मीटर की दूरी पर है। यानी मध्य तो यहां तक आ जाओ और फिर इससे 3 मीटर और चले जाओ, है ना? मध्य तो यहां पर आ जाओ, ये 12 थी पूरी, और इससे 3 मीटर और चले जाओ, लगभग यहां पे आ गया, और ये दुकान कौन सी हो गई भाई? ई हो गई। ठीक है ये वाली बात। फिर आगे उसने क्या कहा? सी और ई के बीच की दूरी क्या है? तो सी और ई के बीच की दूरी कैसे निकालोगे? पाइथागोरस लगाओगे। ये कितनी है? 6 भाई, ये 5 और ये 3, 8। तो 8 और 6 बनाए तो 10 आएगा अगला ट्रिपलेट। पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, 8 का स्क्वायर 64, इसका 36, तो ये 100 का रूट हो गया 10। ठीक है, बस एक यही लाइन थी कि इसके मध्य से, यानी ये भी 6 हो जाएगी, ये भी 6 हो जाएगी। ये तो फिजिक्स बायो जो भी है, साइंस केमिस्ट्री कुछ भी कह दो, नाभिक के अंदर दोनों आते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। हाँ, नाभिक मुझे नहीं, नाम नहीं याद आ रहा, पढ़ा तो 11th 12th में था। अब ये मुझे नहीं पता, नाभिक इंग्लिश में मुझे नहीं पता क्या होता है। हाँ पता नहीं यार, साइंस पढ़े नहीं। ये देखो भाई, ये बताओ, नाभिक मुझे इंग्लिश में नहीं पता क्या होता है, मैं देख के बता सकता हूँ नाभिक इंग्लिश में क्या होता है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, हाँ न्यूक्लियस होता है। बताओ भाई क्या आंसर आएगा? मतलब डिवाइड डॉट
डॉलर के लिए, यानी डॉलर की जगह डिवाइड लगा दो। इसने पूछा है जो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे क्या आएगा, यहाँ पर क्या वैल्यू रखो कि ये सेटिस्फाई हो जाए। देखो ये लिखा गया है 16 4 माइनस यहाँ पे 4 आ गया। डॉलर का क्या मतलब है, डिवाइड। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन मार्क, यहाँ मैं एक्स रख देता हूँ। एट द रेट का क्या मतलब है भाई, प्लस 5 और हैशटैग मल्टीप्लाई 15 और बराबर कितने के आना चाहिए, 90 के। तो बस अब बॉड मास लगाओ क्या आएगा बताओ। चार आएगा, बिल्कुल बिल्कुल, बॉड मास ही तो लगाना है, यही तो इक्वेशन बनी होगी। तो बॉड मास में सबसे पहले क्या करते हो, डिवाइड करते हो, ठीक है, फिर क्या करते हो, मल्टीप्लाई। तो कैसे लिखोगे इसे, 16 माइनस अगर मैं 4 अपॉन एक्स लिख दूं और प्लस कितना लिख दूं, 60 और बराबर कितने के, सॉरी 75, 5 है 75, ये 75 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 15 का बचेगा, एलसीएम लेके सॉल्व करोगे 4 ही आने वाला है। एक्स की वैल्यू पुट कर लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिर से डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन है, क्या पूछा है उसने, सवाल क्या है, 5 व्यक्ति PQRST हैं, इन लोगों में ज्यादा वेतन कमाने वाले में तीसरे स्थान पर कौन आएगा, रैंकिंग का क्वेश्चन है। पांच लोग हैं, 1 2 3 4 5, तो पहली लाइन से तो आपको केवल ये पता चला कि टी यहां पर आएगा, क्योंकि टी केवल एक व्यक्ति से ज्यादा कमाता है, तो अगर मैं टी को आगे रख दूंगा तो वो दो व्यक्तियों से ज्यादा कमाने लगेगा, यानी टी तो यहीं पर आएगा। उसने यहां पूछा है, बताओ जरा, और एक बात ये पता चल गई कि पी यहां पर नहीं आएगा, क्या दोनों से आ रहा है आंसर, क्या आंसर आ रहा है, दोनों से पी आ रहा है। चलो देख लेते हैं भाई, टी यहां पर आएगा, आर 3 व्यक्तियों से अधिक कमाता है, क्यू सबसे ज्यादा कमाता है, क्यू यहां पर आ गया, अब आर जो है वो 3 व्यक्तियों से अधिक कमाता है, तो आर यहां पे, अब पी यहां तो रखना नहीं, तो पी यहीं पर रखोगे, तो दोनों मिलाकर, यानी दोनों कथन एक दिए इकट्ठे सवाल देने के लिए काफी है, सी ऑप्शन, ठीक है, दोनों से आंसर आ गया, पढ़ लो, समझ लो पहले इसे क्या कह रहा है, ये पैटर्न में क्या लग रहा है, पहले तो लास्ट स्टेप देख लो, नंबर जो है वो घटते क्रम में लग रहे हैं और शब्द बढ़ते क्रम में, तो हमेशा एक बार स्टेप वन भी चेक करते हैं ये हुआ है या नहीं हुआ। सबसे पहले सब डेटा उठाया, बाकी सब ऐसी कॉपी कर दिया, फिर अगले में नंबर उठाया, बाकी सब ऐसी कॉपी कर दिया, सेम चीज हो रही है। तो नंबर लग रहे हैं घटते क्रम में, वर्ड लग रहे हैं बढ़ते क्रम में, पहले स्टेप में लिया जा रहा है वर्ड, ये इनपुट है, इनपुट के चौथे स्टेप में राइट साइड से दाएं छोर से चौथे की दाईं ओर दूसरा क्या होगा, पहले तो इसका आप स्टेप 4 निकालो, इसका स्टेप 4 क्या आएगा, इसका स्टेप 4,
ये जो अंडरलाइन हो रहा है। भाई अगर स्टेप बनाओगे तो सबसे पहले शब्द उठाओगे, और कौन सा शब्द लिया सबसे पहले? चौथे स्टेप में दाई छोर से चौथे के दाएं में जो दूसरा है वो क्या है? 93। स्टेप फोर जो आया, जो आप दाएं से देखोगे, इधर से चौथा देखो और फिर उसके दाएं में दूसरा देखो। देखो बताता हूं, स्टॉक है। देखो सबसे पहले क्या लिखोगे भाई यहां पे? नहीं, सबसे पहले शब्द क्या लिखोगे? सबसे छोटा वर्ड उठाना है, फोर आ गया। अब सब ऐसी कॉपी हो जाएगा, ईयर 41, स्टॉक 48, ऑनेस्ट 93 और 55। अब स्टेप दो में जब आओगे तो फोर तो आ चुका, अब सबसे बड़ा शब्द लेना है आपको। ईयर आ गया, 41 आ गया, स्टॉक आ गया, 48 आ गया, ऑनेस्ट आ गया और 93 तो जा चुका, 55 आ गया। अब की बार बारी शब्द की है, फोर आ गया, 93 आ गया, ऑनेस्ट, और अब क्या आएगा? ईयर, फिर 41, स्टॉक 48, ऑनेस्ट, सब ऐसी कॉपी हो जाएगा। अब स्टेप फोर पे आओगे, फोर आ चुका, 93 आ चुका, ऑनेस्ट आ चुका, अब आएगा 55। अब सब ऐसी कॉपी हो जाएगा, ईयर 41, 48 और स्टॉक, यही बना है स्टेप फोर। पहले स्टॉक है फिर 48 है, पहले स्टॉक है फिर 48 है। अब उसने क्या पूछा है स्टेप फोर में? राइट साइड से ये रहा राइट, चौथा, 1 2 3 4 ईयर हो गया, इसके भी राइट में दूसरा स्टॉक, स्टॉक आएगा। सेम है, कितने स्टेप में खत्म होगा? 6 में खत्म हो रहा है, सेम। ठीक है चलो आगे। इनपुट, किसी इनपुट का चरण 2 है तो कौन सा चरण 4 होगा? इनपुट बदल दिया उसने, हाँ ये सेकंड स्टेप दे रखा है तो स्टेप फोर पूछा है। आई थिंक आंसर ये होगा, अगर ऑप्शन पे थोड़ा ध्यान दो तो एक वर्ड एक नंबर, एक वर्ड एक नंबर नहीं आना चाहिए, एक वर्ड एक नंबर, एक वर्ड एक नंबर नहीं आना चाहिए। अब यहां पे पहले वर्ड 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 लगातार आ रहे हैं, या तो ये होगा कि स्टेप थ्री में ही ये खत्म हो जाएगा काम इसका पूरा, है ना, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक वर्ड और नंबर ना आए जब स्टार्ट आप कर रहे हो। भाई जब आपने दूसरा स्टेप लगाया तो पहले क्या आया? वर्ड आया, फिर नंबर आया। जब तीसरा स्टेप रखोगे तो वर्ड आएगा, फिर चौथा स्टेप रखोगे तो क्या आएगा? नंबर। अब यहाँ पे वर्ड आया, नंबर आया होगा, फिर वर्ड आएगा, नंबर आएगा, यानी अब यहाँ पे तो कोई ऐसी कहानी बन नहीं रही। तो यहाँ पे आंसर क्या हो सकता है कि ऐसा स्टेप होगा ही नहीं है, तीन में इसकी कहानी खत्म हो जाएगी। तो ऑप्शन पे थोड़ा ध्यान दिया करो, नंबर लिख के ऊपर, हाँ वो ट्रिक इसमें लग जाएगी, हाँ लग जाएगी। वो क्वेश्चन तो अलग थे, वो थे जैसे उस वाले क्वेश्चनों में क्या होता है, ये नहीं लिखा होता, वो जो है जैसे ये लिखा है ये चरण का आखिरी चरण है, उसमें ये नहीं लिखा होता आखिरी है, उसमें होता है वो आगे चलते रहेंगे कंटिन्यूटी में, उसमें ये नहीं लिखा होगा कभी भी, वो सवाल वहां आते हैं। कौन सी इमेज पूरा करेगी इसे? डी, डी शाइनिंग। यहां क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा? इसके हिसाब से इसने ये श्रृंखला बनाई है, यहां पर क्या आएगा? ये आएगा, बताओ भाई। इसके हिसाब से इसने ये बनाई है, स्टार एम क्वेश्चन मार्क रखा, सॉरी कॉमा, और यहां पे फिर क्या रखा? सी डॉलर साइन टी। तो देखो अगर हम यहां देखें, सी डॉलर साइन टी उठाया, एट द रेट एस एल उठाया, हैशटैग यू डी उठाया,
तो अब क्या उठाएगा, पी एक्सक्लेमेटरी एल, यहाँ पर कॉमा होना चाहिए था, वो शायद मिसिंग है, है ना, यहाँ पे कॉमा होना चाहिए था, क्योंकि स्टार एम कॉमा एक साथ उठाया, फिर एक छोड़ा, ये उठाया, फिर एक छोड़ा, ये उठाया, फिर एक छोड़ा, ये उठाया, अब आप क्या उठाओगे, लास्ट के तीन उठाओगे, यानी सी ऑप्शन इसका आंसर आएगा। समझ में आ गई बात, इसके हिसाब से उठाया था इसने। अब देखो, कल मैंने इसका बताया था, आप अगर थोड़ा सा देखो तो बी ओ यू के लिए तो सी एल आर आएगा ही आएगा, क्योंकि सब ऑप्शन में आ रहा है ना, तो इन तीनों के लिए तो ये आएगा ही आएगा। आप बस पैटर्न समझो और इसको चेक करना, पूरा वर्ड बनाने की जरूरत नहीं है। आंसर बताओ, सी एल आर तो आएगा ही आएगा, वो तय हो गया, और हो सकता है के ही आए, क्योंकि के तीन ऑप्शनों में ज्यादा है। क्या आंसर आएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। देखो, इसने जीन्स को क्या लिखा, रिलैक्स, सॉरी रिलैक्स नहीं है, आर एल एक्स ए ई, तो जे से आर जाने में तो बहुत दूरी होगी, बट एस से आर तो आ सकते हो, माइनस वन है, एन से एल माइनस टू है, ए से एक्स माइनस थ्री है, माइनस फोर है, और माइनस फाइव है। समझ में आ गया, यानी लास्ट में फर्स्ट लेटर को माइनस फाइव लिख रखा है, तो बी से माइनस फाइव क्या करोगे, बी आएगा आंसर। चेक कर लो, चेक कर लो, क्या वर्ड दिया उसने, डी। अब देखो, इससे माइनस वन करने, सी एल आर तो मुझे ऑप्शन से ही मिल गया था, यानी इसका सी बना दिया, इसका एल बना दिया, इसका आर बना दिया, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, माइनस फोर करो तो क्या आएगा, माइनस फोर करोगे तो भाई पंद्रह पे आता है, चार घटाओगे के आएगा, और फिर इसके बाद क्या आएगा, डब्लू। ठीक हो गई बात, चलो आगे चलूं। कंडीशन को ये लिखा गया है, सिलेक्शन को क्या लिखा जाएगा, पैटर्न देख लो और सिर्फ दूसरा अल्फाबेट चेक कर लेना, है ना। चलो देखें क्या कह रहे हैं आप, कंडीशन ए आएगा, कंडीशन, कंडीशन का क्या कह रहे हो, क्या करा इसने, तीन के पेयर बनाऊं और फिर सब में प्लस दो करके रख दूं, एन को लिख दिया, कैसे कह रहे हो, ऐसे ही कह रहे हो, तो पी आ गया, फिर ओ को लिख दिया क्यू और सी को लिख दिया ई, तो अब यहां से चेक कर लो, तो एल से आओगे एन, अब एन तो इसमें भी है इसमें भी है, तो ये दो तो खत्म ही हो गए, अब ये बचा है तो ए आ जाना चाहिए, है ना, क्लियर हो गई बात। तो कभी भी पूरा शब्द नहीं बनाना, ऑप्शन पे नजर मार लो एक बार, दूसरा सब में फर्क था, पहला देख लिया दूसरे से मिल गया तो जी या एच, कभी भी पूरा शब्द नहीं बनाना। अलग क्या है इनमें, डी बी, हाँ, पंद्रह छक्का नब्बे प्लस पांच, तीस छक्का अठारह, एक सौ अस्सी प्लस पांच, पच्चीस छक्का डेढ़ सौ प्लस दस का रखे हैं इसने, है ना, इंटू छः प्लस पाँच है, पंद्रह छक्का नब्बे होते हैं, तीस छक्का एक सौ अस्सी और पचास छक्का तीन सौ, सब में प्लस पाँच का रखा है, बस यहाँ प्लस दस कर दिए, क्या पूरा करेगा इसे, ये जो दोनों है ना लाइन के बाहर हैं और ये वाले में लाइन के अंदर बने हुए हैं, है ना, सी आएगा इसका आंसर, ठीक है। ये छोटे छोटे, देखो ये तो हो ही नहीं सकता था, ये इधर की तरफ मुड़ रहा है, यहाँ पर ये ऊपर है,
ठीक है, सी इसका राइट आंसर है। अगेन डायरेक्शन डिस्टेंस, हाँ भाई बताओ। क्या है? ए सी, उत्तर पश्चिम। ए देखो, प्रवीण का घर राजीव के घर से दक्षिण पूर्व दिशा में 300 मीटर है, तो अगर प्रवीण का घर यहाँ पर है, प्रवीण का घर राजीव के घर से, प्रवीण का घर राजीव के घर से, तो यहाँ राजीव का है तो प्रवीण का यहाँ पर है, यही होती है दक्षिण पूर्व, इसे 300 कह दूँ। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है डायरेक्शंस की। जोसेफ का घर राजीव के घर से उत्तर पूर्व दिशा में 300 मीटर है, उत्तर पूर्व यानी इधर ले जाएं इसे, तो ये एक, ये भी 300 हो गई। ठीक है, गोपाल का घर जो, ये किसका घर हो गया? जोसेफ का। गोपाल का घर जोसेफ के घर से उत्तर पश्चिम दिशा में, अब यहां से उत्तर पश्चिम यानी इधर, और ये कितनी दूर है? ये भी 300 है, यानी बिल्कुल यहां आ जाएगा। ये हो गया गोपाल का घर। केविन का घर गोपाल के घर से दक्षिण पश्चिम दिशा में 300 मीटर है, अब यहां से दक्षिण पश्चिम आना है 300 मीटर, तो किधर की तरफ आओगे भाई? दक्षिण पश्चिम यहां पर आ गए लगभग, ये 300 आ गया। ये घर हो गया केविन का। प्रवीण का घर की स्थिति के संदर्भ में केविन का घर किधर है? केविन का घर ये रहा और प्रवीण का घर ये रहा, तो उत्तर पश्चिम हो गया। केविन का पूछा है ना किधर है, प्रवीण से उत्तर पश्चिम। ठीक है, नहीं नहीं वो तो ठीक है, अगर वो यहां से यहां तक की दूरी पूछ लेता, हाँ यहां से ये डलता, ये निकलती और ये निकलती। खैर सिलॉग्स, फिर वहां पे वो ट्रायंगल लगता। अब जो ये लास्ट वाला स्टेटमेंट है ना, ये बिल्कुल अलग बनेगा, इसका इन दोनों से कोई संबंध नहीं है। जैसे उसने कहा कोई मूंगफली सुबह नहीं है और कुछ सुबह चार पाई हैं, तो ये बन गया। सभी सिलेंडर पहिए हैं, तो ये दो आंसर बताओ, केवल एक सही है। और उसने कहा कि सभी जो सिलेंडर हैं वो पहिए हैं। दूसरा क्या है, सभी सिलेंडर, सभी सुबह पहिए हैं, तो इनका तो कोई रिलेशन ही नहीं है, तो गलत हो गया। कुछ चारपाई मूंगफली नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है, ये वाली जो चारपाई है ये मूंगफली नहीं है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, क्या पूरा करेगा इसको? ये पूरा ऐसे होगा ना, फिर यहां से ऊपर ऐसे करके जाएगा। बताओ भाई बताओ, डी करेगा? डी कैसे कर सकता है?
सी करेगा, सी को जब ये इधर मिलाओगे तो ऐसे करके ये पूरा ट्राइंगल बन जाएगा ऊपर वाला, नीचे लाओगे इसको यहाँ से, इसको क्या हो गया, क्या कह रहे हो, तुझे क्या हो गया भाई, भाई जब C को मिलाओगे, क्या ग्लिंच आ गया, D नहीं है, what the fuck is going on? आंसर इसका सी ही है, इसने वर्क, चलो तुम्हारे लिए डी है, इसको क्या हो गया, हाँ कौन सा, अभी बताता हूँ रुक जाओ, साला जब से मैंने इसमें लगाना शुरू किया इन्हें तो ग्लिंची करने शुरू कर दिए, अजीब ही ड्रामा हो रहा है, हाँ भाई देखो मैं कह रहा था सी डी क्यों नहीं है, जब आप इसको मिलाओगे अगर डी को यहाँ पे रखोगे तो सिर्फ ये वाली लाइन मिलेगी ऐसे करके जो इधर से बन रही है ना, ये मिलेगी, ये मिलेगी, बीच वाली लाइन कहाँ से पूरी करोगे, ये वाली लाइन, ये जो ये बन रही है इसके लिए तो इस ये आधी है ना, तो ये सी से ही तो पूरी होगी, जब इसको जब इधर से इसको मिलाओगे ऐसे तभी तो बनेगा यहाँ पे जाके, इसलिए सी है इसका आंसर, ठीक है, हाँ कौन सा बी कह रहे हो, एक मिनट, हाँ इसमें भी यहां पर ये वाली लाइन नहीं है, इसमें भी यहां पर ये वाली लाइन नहीं है, ये होगा, ये आ गया, ये तो बहुत आसान है, ऐसी ओरली हो जाएगा, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, सूर्य अखिल की माँ है जिसकी दो बेटियां सूजी और सुविधा हैं, भाई अखिल की दो बेटी हैं और सूर्य नहीं, सूर्य दादी है, दादी सूर्य अखिल की माँ है और अखिल की बेटी कौन है, सूजी, तो सूर्य सूजी की दादी नहीं हो गई, दादी हो गई है ना, क्लियर हो गई बात, ये आसान है, सिर्फ इसी में सारी लाइनें जो हैं जो सेंटर से होके जा रही हैं और सर्कमफ्रेंस को टच कर रही हैं, है ना, मतलब केंद्र से होते परिधि हुई पे जा रही है सारी, इन सब में कुछ लाइनें ऐसी हैं जो परिधि पर नहीं मिल रही हैं जाकर, सब में है ना, सब में सिर्फ यही है जिसमें सारे, हाँ ऐसे कह लो, क्या अलग है, यह आसान है, पुस्तकालय किताबें पन्ने, ठीक है, अलग अलग, फोर नाइन्टी एट क्यू, रीजन सही नहीं है, आंसर सही है, आंसर सही है, रीजन ये है कि सब चार के डिवाइड, सब चार से डिवाइड हो जाती है, सिर्फ 498 को छोड़ के, सिर्फ यही लिखा हुआ है, ये सिर्फ चार से डिवाइड होती है, 32 भी होती है, 108 भी होता है, 156 भी होता है, सिर्फ ये है जो नहीं होता, 498, बाकी सब चार से डिवाइड होती है, ये तो होता ही है, क्लासिफिकेशन में कुछ भी पैटर्न लग जाता है, सीरीज में आप पहचान सकते हो, एनोलॉजी में आप पहचान सकते हो, उसमें कुछ रूल्स हैं, इनमें कोई रूल नहीं होते, ये किसी भी बेस पे अलग रख देते हैं, इसमें भैया कथन है और तर्क है,
क्या सभी विद्यालय के छात्रों के लिए कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य कर देनी चाहिए? दोनों ने अपने अपने मत दिए हैं। ये क्वेश्चन मैंने मॉड्यूल में भी कराया था, है ना। अब दोनों ने तर्क अलग अलग दिए हैं, थोड़े से देख लो। चलो दूसरे का बताओ, दूसरा बताओ इसके बारे में। दूसरा गलत है। मैंने उस दिन भी बताया था कि स्कूल में जो पढ़ाया जाता है ना, उसका रोजगार से लेना देना कुछ नहीं होता, है ना। तो रोजगार से कोई मतलब नहीं होता। आप पहले पे आओ, पहला सही है कि भाई अगर आपको डिजिटल बनाना है हर चीज को, तो आपको बच्चों को डिजिटल की नॉलेज देनी पड़ेगी स्टार्टिंग से ही। तो पहला सही है ना। स्कूल का कभी भी जॉब से कोई रिलेशन नहीं होता, स्कूल की टीचिंग का। फिर से आ गया डायरेक्शन डिस्टेंस काफी आ रहा है। बिंदु ए से शुरू कर उत्तर की ओर 2 किलोमीटर जाती है। दक्षिण, उसने ये पूछा है किधर मुंह करके खड़ी है। तो यहां से उत्तर गई, उत्तर से अपने दाईं ओर मुड़ी इधर, और दोबारा अपने दाईं ओर मुड़ी यानी नीचे। तो अब उसका फेस साउथ की तरफ है। बहुत आसान सवाल था, प्रीवियस ईयर की ही भाई कॉपी पेस्ट है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा। सिलॉग्स, हाँ डी आना चाहिए। अभी देखते हैं भैया, आपको नंबर चाहिए, नंबर वीडियो के नीचे चल रहा है, लिखे हुए हैं दोनों नंबर, किसी पे भी कॉल कर सकते हो ऑनलाइन से। सी है, कोई भावना आनंद नहीं है। तो ये हो गई भावना और ये आनंद नहीं है, मना हो गया। कुछ ग्राम क्विंटल हैं, तो इनका तो कोई मतलब ही नहीं है, तो अलग बनेंगे। नहीं सॉरी, अलग पढ़, हाँ कोई ग्राम क्विंटल नहीं है तो ये अलग बनेगा, ये नहीं है। तो कुछ ग्राम क्विंटल है तो सीधे सीधे गलत ही है ये वाली बात। तो कोई आनंद भावना नहीं है, ये ठीक है, सी आंसर आएगा। तो सीधा सीधा लिखा हुआ ब्लड रिलेशन, मगर डेटा सफिशिएंसी वाला। तस्वीर में मौजूद आदमी अर्जुन से कैसे संबंधित है? कथन दो, मतलब ऑप्शन ए कि पहले से हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी दूसरे से भी हो रहा है। देखो वो ऑप्शन तो इन्होंने दिया नहीं, या तो इकट्ठे हो या अलग अलग हो, या ये वाला ऑप्शन है फिर, या केवल कथन एक या केवल कथन दो दिए गए तथ्यों के सवाल देने के लिए काफी। अगर दोनों से हो रहा है तो आंसर बी आएगा, अगर दोनों से निकाल सकते हो तो आंसर बी है, देख लो। तस्वीर की ओर इशारा करते हुए अर्जुन ने कहा, और क्या पूछा है तस्वीर वाला, वह मेरे पिता की पत्नी की इकलौती बहू की बेटे का पिता है। यानी वह अर्जुन के पिता, अगर ये अर्जुन है, अर्जुन के पिता की पत्नी, इसकी माता हो गई, इकलौती बहू यानी इसी की बीवी हो गई, इकलौती बहू की बेटी का पिता है, यानी वो अर्जुन खुद हो गया। तस्वीर के इशारा, तो वह आदमी अर्जुन से कैसे संबंधित है? तस्वीर में मौजूद आदमी अर्जुन से कैसे संबंधित है? तो अर्जुन की फोटो है वो खुद, यानी वो खुद अर्जुन है। अगर दूसरा देखें, यानी पहले से तो आ सकता है आंसर, वह मेरी बहन की दादी, यानी भैया अर्जुन की बहन है, अगर इसे हम अर्जुन कह दें, अर्जुन की बहन यानी अर्जुन की ही दादी हो गई, अर्जुन की दादी हो गई, के पति की इकलौती बहू का पति है। इनके पति की इकलौती बहू अर्जुन का ही पति होगी, नहीं ये अलग आएगा, इससे आंसर अलग आएगा, है ना। बट
अर्जुन का रिलेशन तो दोनों से ही पता चल रहा है, अर्जुन के बारे में तो दोनों से ही पता चल रहा है, भले ही संबंध अलग अलग पता चलें मगर पता दोनों से चल रहे हैं। तो आंसर फिर इसका बी आना चाहिए कि पहले से भी पता चल रहा है और दूसरे से भी पता चल रहा है। ठीक है, तो आंसर दोनों ही आने चाहिए। हाँ, उसने ये नहीं पूछा कि किससे अर्जुन उसका पिता लगेगा, अगर ऐसे पूछता तो फिर कन्फ्लिक्ट खत्म हो जाता, दोनों से ही पिता आना चाहिए था। उसने ये पूछा ये किससे पता चलेगा कि अर्जुन कैसे संबंधित है, तो अर्जुन फिर कैसे भी संबंधित हो सकता है, डेट डिसीजन मेकिंग आ गई। पढ़ लो, बस ये आखिरी सवाल है इसका। देखो, पहला तो है कि उम्मीदवार जो भी होगा प्रथम श्रेणी यानी फर्स्ट क्लास में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आईसीसी के सदस्य देशों में से किसी एक क्रिकेट टीम को प्रशिक्षित कर चुका हो फर्स्ट क्लास की। फिर उम्मीदवार पूर्ण सदस्य देश में से किसी एक द्वारा किए गए प्रमाणन आकलन कार्यक्रम में माध्यम से योग्य साबित होना चाहिए, मतलब उसके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए, कहने का मतलब ये है। और वर्तमान में उनके पास इस तरह का एक वैध प्रमाण पत्र होना चाहिए, वही सर्टिफिकेशन की बात हो गई, उसने सर्टिफिकेशन किया हुआ हो कहाँ से, पूर्ण सदस्य देशों में से किसी एक द्वारा। एक अंतर्राष्ट्रीय टीम के कोच के लिए उपयुक्त संवाद कौशल जो अनिवार्य है, प्रभावी ढंग से सही संदेश संप्रेषित यानी कम्युनिकेट करने के लिए अंग्रेजी में दक्ष होना चाहिए। और उम्मीदवार का आईसीसी या उसके सहयोगी संगठन सदस्य बोर्ड के साथ पिछला या वर्तमान विवाद से रहित हो। एक निर्दोष व्यक्तिगत रिकॉर्ड होना चाहिए। अब इसके अलावा एक्सेप्शन दे रखे हैं। एक्सेप्शन क्या है? उम्मीदवार किसी भी एक मापदंड को पूरा नहीं कर पाता, यानी चारों के लिए एक्सेप्शन है, लेकिन उसका नाम सभी तीन क्रिकेट सलाहकार समिति सदस्यों द्वारा शामिल करने के लिए कहा जाता है तो उसको चुन लिया जाएगा। वो इसमें से कुछ नहीं कर रहा मगर उसकी सिफारिश लगा दी तीनों लोगों ने तो उसका काम हो जाएगा, वो अपॉइंट हो जाएगा। दूसरा, उम्मीदवार के पास किसी भी तरह का कोचिंग अनुभव नहीं है, यानी पहली वाली बात वो नहीं मान रहा, लेकिन वह आईसीसी विश्व कप विजेता टीम का कप्तान था तो उस मामले में बीसीसीआई के सचिव के पास उसे भेजा जा सकता है। उम्मीदवार के पास अंग्रेजी में दक्षता नहीं है लेकिन वह हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में संवाद करने के लिए सक्षम है, फिर उसके जो क्रिकेट सलाहकार समिति के सदस्यों के पास भेजा जा सकता है। सिंपल है। पहला, जाफर ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में भारतीय रेलवे टीम को प्रशिक्षित किया है, ठीक हो गई बात, उसके पास आईसीसी का प्रमाण पत्र है, अच्छी तरह से अंग्रेजी संवाद में निपुण है और विवादों में फंसने का कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो इसका चयन हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हुई इसके साथ। इसका बताओ, हैं, चयन हो जाएगा? ए है इसका आंसर। ए आएगा क्या आएगा? हो जाएगा चैन। हाँ, क्योंकि उसने, देखो उसने क्या नहीं दिया, देखो उसने अंग्रेजी में दक्षता नहीं दी, उसने बताया नहीं है या नहीं है, उसने ये नहीं बताया कि उसका किसी के साथ विवाद है या नहीं है, बट उसने ये वाली कंडीशन ऐसे दे दी थी कि कोई सी भी ना सेटिस्फाई करे फिर भी ये हो जाए तो भी उसका सिलेक्शन हो जाएगा, है ना, तो इसका भी सिलेक्शन हो जाएगा। विवाद का नहीं बताया किसी के साथ विवाद है या नहीं है, है ना, विवाद वाली तो का तो एक ही एक्सेप्शन है, तीन लोग उसकी सिफारिश कर दें तो मान ली जाएगी, वरना विवाद का कोई एक्सेप्शन नहीं था, सिर्फ उसका था आपका एक्सपीरियंस का या इंग्लिश का, वो तो सब बता दिया मगर ये बताया नहीं कि उसका कोई विवाद तो नहीं आई सी सी या किसी बोर्ड के साथ, तो यहाँ पर डेटा इनसफिशेंट है, आंकड़े अधूरे हैं। अजम्पशन, अच्छे शिक्षक अच्छे छात्र का विकास करते हैं। पहला बताओ, पहला गलत है, पहले का तो कोई मतलब ही नहीं बनता,
कि सख्त है तो वो अच्छी शिक्षा देगा, इससे कुछ लेना देना नहीं है। छात्र जानकार शिक्षक को चाहते हैं, छात्र चाहता है कि उनको ऐसा शिक्षक मिले जो जानकार है, बट इसका क्या इस बात से कोई संबंध है? नहीं है ना। तो क्या आंसर आएगा इसका? पहला, पहला। इनमें अलग क्या है? बस ये सिंपल सा क्वेश्चन है, बता दो। वेल्स क्यों? न्यूजीलैंड। ये तीनों ग्रेट ब्रिटेन में आते हैं। देखो ऐसे है, यूके अलग ऐसे कह लो, वैसे जो मेन रीजन है, एक होता है इंग्लैंड, फिर आता है यूके और फिर आता है ग्रेट ब्रिटेन। इंग्लैंड में कुछ देश आते हैं, यूके में कुछ बढ़ जाते हैं और ग्रेट ब्रिटेन में सारे बढ़ जाते हैं। इंग्लैंड एंड वेल्स छोटे से देश होते हैं, स्कॉटलैंड, वेल्स, इंग्लैंड एंड वेल्स कंट्री है, वेल्स छोटा छोटे से देश हैं उधर के। नाम नहीं सुना होगा तुमने, अगर तुमने क्रिकेट देखा है ना तो कई बार इंग्लैंड एंड वेल्स की काउंटी टीम होती है, इंग्लैंड एंड वेल्स उनकी काउंटी टीम होती है। एक ही लाइन का सवाल है। वह मेरे एकमात्र बेटे की भांजी है, नाना यानी मेरी बेटी की बेटी हुई ना, भांजी हुई तो ये नाना हो गया उसका। और एक सवाल और बचा होगा, ये बचा है, तर्क आ गए, कथन तर्क। दूसरा तो गलत है, पहले की बात है। बैठ जाओ, रहते का बैठ दो। पहला सही है। अच्छा एक बात बताओ, एंट्रेंस लगाने से शिक्षा की गुणवत्ता अच्छी हो जाएगी? वो तो बच्चों की गुणवत्ता अच्छी होगी कि अच्छे बच्चे आएंगे एंट्रेंस लगाने से। शिक्षा की गुणवत्ता तो टीचर पे, स्टडी मटेरियल पे, एनवायरनमेंट कैसा है उस पर डिपेंड करती है ना। और दूसरे वाले का तो मतलब ही नहीं बनता कि भैया नहीं, ये बड़ी संख्या में ग्रामीण और शहरी बच्चों को शिक्षा से वंचित रखेगा, भाई एडमिशन लेना है तो एंट्रेंस तो देना ही पड़ेगा, इसका भी कोई मतलब नहीं बनता। तो यहाँ पर भी दोनों गलत है, है ना। पहले वाले से ये एंट्रेंस लगाने से जरूरी थोड़ी है कि वहाँ की जो शिक्षा टीचिंग के स्किल्स हैं वो अच्छे हो जाए, है ना। एक ये लास्ट क्वेश्चन है। हेड को लिखा है IFBE, अरे तो बड़ा आसान है, सब में एक एक ज्यादा लिख रखे हैं, तो जे का हो गया KBN का F, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, रीजनिंग में तो तुम्हारे सारे हो जाएंगे, ठीक है। कल करेंगे तीसरा, कल नहीं मंडे, कल तो टेस्ट है, बस मंडे करेंगे। मंडे हिंदी का पता नहीं, अभी नहीं पता।